So I had a lot of road bumps, and eventually I discovered कि मैं कहाँ belong करती हूँ, and positive psychology और जो areas of well-being, happiness है, I consider that this is something that I want to invest my whole life to discover, to decode, to find processes, systems, interventions के अगर जो इंसान है, वो यहाँ पर इसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है, इसकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जा सकती है. आप आई नो दैट यू पीपल आर ऑलरेडी वेरी प्रैक्टिकल माइंडेड, वेरी लर्नड, आपके खुद के लाइफ स्किल्स ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड हैं, बट इससे ऊपर भी क्या कोई और चीज़ है या नहीं? क्या हम सब अपनी ज़िंदगी, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी लाइफ के साथ सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं? और ह्यूमन बिहेवियर क्या है, किस तरह आप एक एक बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, इन सारी चीज़ों ने मुझे पुश किया टुवर्ड्स एंट्रिंग इनटू पॉजिटिव साइकोलॉजी. और ये जो सेंटर है, ये क्या सेंटर है? सेंटर जो है जी, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी की तीन मेन प्रोडक्ट्स हैं. हमने कुछ साइकोलॉजिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, एजुकेशनिस्ट जो एक्चुअली एडल्ट टीचिंग ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको इंगेज करके ख़ास तौर पर पॉजिटिव साइकोलॉजी की साइंस के ऊपर उन्हें इंगेज किया, ताकि हम कुछ ऐसे जो है वो तरीकाकार सीखें पाकिस्तान में. क्योंकि अमेरिका, यूरोप में तो आपको पता है कि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं, और वहाँ पर हमेशा से जो है वो सेल्फ हेल्प का एक पूरी फील्ड है कि किस तरह से इंसान जो है वो ऑप्टिमाइज किया जा सकता है. लेकिन पाकिस्तान में उसका जो डेटा था, दैट वाजंट वेरी अप टू डेट, और लोगों ने जो है वो अभी भी हम बहुत ज़्यादा स्केप्टिकली देखते हैं कि क्या हैप्पीनेस वेलबींग मेजर की जा सकती है, क्या ये एक्चुअली कोई इशू है, कोई ऐसी स्किल है जो सीखी जा सकती है या नहीं. सो व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग्स. ये नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करने यहाँ नहीं आई हूँ कि आप कर सकते हैं, आप ये भी कर लेंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉजिकल टेंजिबल एविडेंस कि इट वर्क्स, और अगर आप भी इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, ये आपकी ज़िंदगी में भी काम करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट किसी के पास भी जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, आपका उसके बारे में एक परसेप्शन है कि ये मेडिसिन मुझे जो है वो दो घंटे के लिए, तीन घंटे के लिए हेडेक से रिलीफ देगी या नहीं. सो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट सोशल साइंसेज एंड एविडेंस बेस्ड एम्पिरिकल डेटा कि किस तरह से साइंस या हैप्पीनेस जो है वो आपकी लाइफ में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती है. सो द साइंस ऑफ वेलबींग, वेलबींग और हैप्पीनेस को मैं इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगी थ्रू आउट दी स्पीकिंग दैट टॉक. तो अगर आपको कोई उसमें कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क. अच्छा, कुछ मिथ्स बस्टर्स हैं. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट मनी मेक्स पीपल हैप्पी? रिसर्च डजंट सपोर्ट दैट. ठीक है, और एनीबडी एल्स? इस सारी ऐसे की वेल्थ की कितनी कितना इफेक्ट है हमारी वेलबींग के ऊपर? या आपको लगता है हैप्पीनेस मींस टू बी रिच? वेरी लिटिल, इट्स लिट 10 to 20%. It depends upon perspective, you know. Right. If you can use the wealth for the well-being of the other, so yes, the wealth is important. Right. All the social entrepreneurs are working on that, generating wealth and then using it for the social ventures. Right. So you are absolutely correct. Anybody else who wants to give comment on that? Yes, when there is not sufficient wealth with you, it can create a level of dissatisfaction. राइट. सो द रिसर्च सेज दैट जब हमें हमारे इतनी हमारे पास रिसोर्सेज हों जिससे हम सेफ, सिक्योर और इकोनॉमिकली कंफर्टेबल महसूस करें, उससे उसके बाद आपकी जितनी भी वेल्थ होगी वो मे बी अ सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर होगा, बट दैट वॉजेंट द ओनली टूल टू इम्प्रूव योर वेलबींग. इनका प्रस्पेक्टिव इज ऑन अ डिफरेंट एंगल, विल डिस्कस इट लेटर. हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी क्या है, हम मनी के बारे में, वेल्थ के बारे में ओवरऑल हमारी डिस्पोजिशन क्या है. बहुत सारे लोगों की डिस्पोजिशन ये भी है कि ज़्यादा पैसा इंसान को करप्ट कर देता है, तो हमें उतना ही होना चाहिए जितना ये है. आई एम नॉट ऑफ दैट व्यू. ही इज़ ऑल्सो ऑफ दैट प्रोग्रेसिव माइंड के ज़्यादा पैसा होगा तो आप ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे. तो आपके जो बिलीफ सिस्टम है रिगार्डिंग मनी, लाइफ, हैप्पीनेस, ये आपके बिहेवियर्स को
को अर्न करते हैं या रेगुलेट करते हैं. सो एक ये मिथ है. जो दूसरा है हमारे गुड ग्रेड्स. सो बहुत सारे लोगों को लगता ये है कि आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल और हैप्पी इफ आई गेट गुड ग्रेड्स. अगर आपके नहीं है आपकी जिंदगी के जो भी बेंच मार्क्स आपने सेट किए हुए हैं, मैंने ये परफॉर्मेंस करनी है, ये बोनस लेना है, ये अचीवमेंट है, ये प्रमोशन है, मैं एक ग्रेड को सिर्फ स्कूल की हद तक नहीं दे रही, वो वहाँ पर भी आपको पता है कि पूरा एक स्ट्रेस है. किस तरह बच्चे जो हैं वो टीनेजर्स आज बहुत ज़्यादा एकेडमिक स्ट्रेस में हैं, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक फिनोमेना वहाँ मौजूद है. बट आई एम टेकिंग इट मोर ऑन अ ब्रॉडर लुक कि किस तरह से हमारी ये परसेप्शन कि अगर हम ए ग्रेड्स नहीं मिलते या अपनी ज़िंदगी में जो हमारा सक्सेस का कॉन्सेप्ट है उसको भी आपकी हैप्पीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं करती. तीसरी चीज़ है जी मटीरियल पोजेशंस. घर घर गाड़ियाँ, जितने आपके पास ब्रांडेड क्लोथ्स बैग्स स्पेसिफिकली फॉर वेमेन, गाड़ियाँ फॉर आदमी. सो आप इन मटीरियल पोजेशंस के साथ भी जो है यू आर नॉट गोइंग टू अटैच अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. उसकी वजह ये है कि आपको एक अगला जो भी हम कॉम्पोनेंट पढ़ेंगे सेल्फ अवेयर होना चाहिए. हर शख्स की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं वो वेरी करती हैं और आप आई एम होपिंग दैट आपने मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो अगर आपको पता हो कि हमारी जो एक पैरामिड बनी हुई है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ एक्चुअली वेलबींग हमें पुश करती है, तो वहाँ पर शायद ये सारी चीज़ें इनिशियल लेवल्स जहाँ से हम आगे खड़े होकर अपने आप को जानने या खोजने की कोशिश करेंगे, तो शायद उस इनिशियल लेवल पर हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम खुद को जान सकें कि वी एग्जिस्ट, वी मैटर, वी हैव समथिंग टू क्लेम. बट अगर आप बहुत लंबे अरसे तक इन्हीं के साथ अटैच रहेंगे तो आप जो है वो अपनी एक्चुअल हैप्पीनेस में जो है वो डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंफर्ट और स्ट्रेस या डिप्रेशन में जा सकते हैं. बहुत ज़्यादा अमीर जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा नामवर जो लोग हैं, अगर आप उनकी लाइफ को उठाकर देखें, जब तक वो खुद अपनी मेंटल कैपेसिटीज को रेगुलेट नहीं कर पाए, वो उस सारी दौलत फेम को जो है वो अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए. सो उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं तो अगर आप माइकल जैक्सन की लाइफ अगर आप जानते हो. अच्छा जी, व्हाट इज वेलबींग, व्हाट इज हैप्पीनेस. एक चीज़ बात करना चाहूँगी, हम सब की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस है, हम सभी जानते हैं कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हम सब के अंदर, ठीक है. मैं एक कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं दे सकती कि ये डेफिनेशन जो है वो हर जगह पर फिट बैठेगी. मैं आपसे कुछ चीज़ें आपको स्टिमुलेट करना चाह रही हूँ जिससे आप फर्दर आगे अपनी जो है वो ये सेल्फ डिस्कवरी कीजिए. तो एनी हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द वर्ड लोकस ऑफ कंट्रोल. जी आप बताओगे. आप सब किसी न किसी हद तक ठीक है. ये टर्मिनोलॉजी जो है जी ये 50 years ago जो है ये it has been used and researchers have found out that जो ये दो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली लोकस ऑफ कंट्रोल को कंट्रीब्यूट करते हैं. आपको क्या लगता है कि दुनिया आपको कंट्रोल करती है या आप दुनिया को कंट्रोल करते हैं? इट इज बोथ वेज बट जनरली विच वन इज मोर डोमिनेटिंग देन द अदर. वर्ल्ड कंट्रोल्स अस. Okay. When you are in control, there are days when other things are in control. I'll make it even more specific for you. Let's say you are saying your life disposition is that events and circumstances, they are going to decide whether today I'm going to be happy, sad, or having any unpleasant feeling. Are you trying to say world controls you? You लीव द हाउस, आप बाहर निकलते हैं, आप अच्छे मूड में हैं, आपको ट्रैफिक मिल जाती है तो आप अब आपकी जो अच्छी फीलिंग है वो खत्म इवेपोरेट हो जाएगी. व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? हु कंट्रोल्स यू? इट्स मोर ऑफ अ रिलेटिव फॉर दैट मैटर. देयर आर क्रिटिक्स ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल. यस दैट्स ट्रू. बट अगर हमने सब्जेक्टिव हैप्पीनेस के ऊपर जाना हो तो वी शुड नो कि जनरली लोग जो हैं वो किस तरह की सोच रखते हैं.
अगर मैं आपसे कहूँ मुझे हैप्पीनेस को डिफाइन करके बताइए, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज आप फील गुड से डू गुड में भी जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे. थैंक यू वेरी मच अंजन साहब. Jad Randhawa saab is here, his father, proud father of Arfa Kareem. So we should have it. Actually, once I did it and I just want to make it. जब ये जो कंट्रोल्स के जी वेदर दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज आउटसाइड यू और इनसाइड यू हु कंट्रोल्स यू, मैं इसको इस तरह बायोलॉजी के टर्म्स में जब बच्चों को क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो वो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल का नॉर्मली वो जब पढ़ते हैं तो हम समझते थे कि कोल्ड ब्लडेड वो हैं जिनका टेम्परेचर जो ब्लड का टेम्परेचर है वो ठंडा है. लेकिन एक्चुअली इट इज़ दैट इफ इट इज़ अफेक्टेड बाय द आउटसाइड टेम्परेचर लाइक स्नैक्स ये लिजर्ड्स वगैरह और जब ये फिर हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो इनका टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर से इफेक्ट करता है. वेयर एज अदर्स लाइक अस एनिमल ह्यूमंस एनिमल्स अदर एनिमल्स इनका टेम्परेचर फिक्स रहता है, बाहर वाला ठंडा हो या गर्म हो दे हैव देयर ओन थर्मोस्टैट इट स्टेज ऑन. इसी तरह है कि जी अगर तो बाहर की चीज़ें आपके इफेक्ट हों जो होती हैं, कोई एब्सोल्यूट पोजिशन नहीं है, लेकिन अगर आपको वो कंट्रोल हो जाए कि बाहर की चीज़ें आपके अंदर के मन की दुनिया को इफेक्ट ना कर सकें तो दैट आई थिंक इज थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी कन्वे एग्जैक्टली द सेम दैट लोकस ऑफ कंट्रोल में दो चीज़ें हैं. एक चीज़ ये है कि आपको लगता है कि आपकी एफर्ट से आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सकती है या आप किस्मत पर डिपेंडेंट हैं, किस्मत हो गई या कोई सर्कमस्टांसेस हो गए, कोई लक फैक्टर है, कोई लकी चांस, कोई लकी नंबर का फैक्टर है. आपकी लाइफ डिस्पोजिशन किस तरह से आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल किस तरह से देते हैं, दैट इज व्हाई दिस एरिया इज इम्पोर्टेंट व्हाइल कमिंग अप टू हैप्पीनेस और वेलबींग. एक्चुअली रिसर्च कहती है कि आपकी ये जो 2001 में इस सोंजा यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली ये डिस्कवर किया कि 50% जो है वो आपकी हैप्पीनेस या वेलबींग जो है वो प्री डिटर्मिंड है थ्रू जीन्स है. बहुत सारे लोग जो हैं वो सैडिस्ट होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं और वो उनकी एक जनरेशन से नहीं काफ़ी जनरेशन से ट्रेवल करके उनके पास पहुंचती है. 10% जो है वो उनके लाइफ सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से वो उनकी जो अप्रोच या लाइफ डिस्पोजिशन लाइफ के बारे में है वो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. बट आई थिंक द ऑप्टिमिस्टिक पार्ट इज दिस दैट द पार्ट दैट इज लाइक 40% इट्स इन आवर कंट्रोल दैट वी कैन मनूवर आवर लाइफ, वी कैन डिवेलप आवर लाइफ एंड we can use our own personal intentional activities to uplift our emotional psychological well-being. So Martin Seligman is actually called as the father of positive psychology. He runs the whole this field of positive psychology in America in Pennsylvania, and he discovered this that well-being is measurable, well-being is teachable, वेलबींग इज लर्नेबल. अब जब तक आप इस बिलीफ सिस्टम पे नहीं जा रहे आपकी बाकी सारी ओरिएंटेशन बिहेवियर एटीट्यूड्स जो उसके ऑफशूट्स हैं बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको एड्रेस करना वुड बी रादर डिफिकल्ट बिकॉज आपका जो रूट कॉज है वो यहाँ से स्टेम होता है. तो अगर आपको लगता है कि मैं पहले यू नो सारी चीज़ें जिंदगी की अचीव करूँगा खुश भी हो जाऊँगा, खुश होने के लिए क्या है? So I think you are on the wrong path, you are on the wrong track. First you need to make peace with your situation unconditionally. You are alive, you are happy, you are healthy with whatever you have achieved so far in your life. And let's say even achievement and success is relative terms. What you have achieved, I may not be able to see that, but maybe you are very happy with whatever you have achieved, which is मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी. वो नज़र तो नहीं आती ना, हमें गाड़ी पैसा सब नज़र आता है जो इसीलिए हम कहते हैं ये कामयाब आदमी है. लेकिन उस इंसान की जिसने कामनेस कंपोयर अचीव किया है हमें लगता है कि ये तो कामयाब आदमी नहीं है बिकॉज इसके पीछे इतनी लाइन नहीं लगी हुई. राइट, सो यू नीड टू सी दैट एक्चुअली वेलबींग का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है, आप किसे खुशी किस तरह से लेबल करते हैं. So self-awareness में I would divide self-awareness into three parameters और psychological well-being, emotional well-being and social well-being. इंसान जो है वो psychologically
आज जितने भी हमारे पास जी जनरेशन के लोग हैं, मिलेनियल्स जिनको हम बोलते हैं, ये सारे के सारे जो है इनके पास ऑलरेडी इनकी जो थ्रेशोल्ड फॉर अकम्पलिशमेंट एंड सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अब प्रीवियसली कोई एक जो है वो बीए करता था, आई एम टॉकिंग अबाउट माय फादर्स जनरेशन, एंड उसका नाम के साथ ही बीए लग जाता था बिकॉज दैट यूज्ड टू बी अ रेयरिटी. और अब क्या होता है कि अब बच्चों के पास, ऐसे बच्चे के 8 एज आ रहे हैं, इवन देन ही इज स्ट्रेस एंड डिप्रेस्ड बिकॉज उसके 11 एज नहीं आए या 13 वाले बैठे हुए हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना प्रेशराइजिंग है आज के बच्चे के लिए इस जो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जो है वो सर्वाइव करना. सो मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, स्ट्रेस की जो इश्यूज हैं वो अब आई थिंक 10 गुना बढ़ गई हैं एज कम्पेयर टू द पास्ट जनरेशंस. सो अगर हम पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की बात करें तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बैरियर्स के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि क्या बैरियर्स हैं जो हमें पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को इंजॉय या एंटरटेन होने नहीं देते. उसमें हमारा सबसे पहले जो है वो कॉन्फर्मेशन